रिफाइंड तेल, चिकन कढ़ाई में तेल ज़्यादा पड़ता है, तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें चिकन डाला जा रहा है। इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। हमारा चिकन फ्राई लमसम हो गया है, अब इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। हल्का सा नमक दिए हैं टमाटर देने के बाद, ताकि टमाटर अच्छे से गले। अब इसे हम ढक देंगे ताकि अच्छे से टमाटर गल जाए। टमाटर हमारा गल चुका है, अब इसका टमाटर का छिलके ऊपर से निकाल लेंगे। अभी थोड़ा कच्चा है टमाटर, एक दो मिनट और लगेगा पक जाने में। इसको ढक देते हैं क्योंकि अच्छी तरीके से नहीं अभी टमाटर गल पाया है। ये हमारे आसपास का खेतों का दृश्य है। हमारा टमाटर बिल्कुल गल गया है, अब एक डब्बू के माध्यम से एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे।
के तो मैं सही जवाब में कहाँ दिया पिसा हुआ लहसुन अदरक गोल की जीरा पाउडर मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर इसमें ज़्यादा कुछ मसाला नहीं पड़ता है चिकन कढ़ाई में धनिया पत्ता ये हमारा चिकन कढ़ाई रेडी हो चुका है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और लजीज लगता है। इसे हम लिट्टी के साथ सर्व कर रहे हैं।